श्रेणीगृह को निज जगा बोली कहि बलपूर्वक ताला पकाई रखिछंती नारायण। विद्यालय कार्य उपजुची बाधा। गंजाम जिला कोदरा निकटस्थ मेदिनीपुर संस्कृत विद्यापीठ श्रेणीगृह को निज जगा बोली दाबी करी ताला पकाई रखिछंती से ग्रामर नारायण मिश्र नामक जने व्यक्ति, जहाँफल विद्यालय आनुषंगिक कार्य बाधा उपजुता अभियोग कर संस्कृत विद्यापीठर शिक्षक अभिभावक और छात्र छात्री। गत दुई मास धरी श्रेणीगृह में ताला पड़ विद्यालय चाउल बंटन पोशाक बंटन में बाधा सृष्टि होता अभियोग। संपृक्त व्यक्ति जनक जो जबरदस्त ताला पकाइबा एवं सर्वसाधारण शिक्षानुष्ठान बंद करने घटना को नहीं स्थानीय अंचल एवं अशांति देखाई। सूचना अनुसार उक्त विद्यालय पूर्व एक भंगा कोठघरे चलता बेले निकटे एक नूतन श्रेणीगृह और कार्यालय निर्माण होती। यह गत किस ते कवि सूर्यनगर विधायिका लतिका प्रधान उद्घाटन करते तेरे स्कूलटी नारायण जगार या अभोग कर बलपूर्वक ताला पकई नारायण। अपरपक्षे उक्त जगाटी विश्वनाथ संस्कृत विद्यापीठ मेदिनीपुर नाम पट्टा रही जमापड़ी। विद्यालय गृह निर्माण होगा समय कौन बद देखा ना बेले एवं एभली बद जो समस्या सृष्टि होने शिक्षक मैंने विद्यालय परिचालना कमिटी को जनईते कौन सुफल मिलनी। अपरपक्षे बेगुनियापड़ा गोष्ठी शिक्षा अधिकारी कमलाकांत साहू को मैंने लिखित अभियोग स्थित तुरंत प्रशासन पक्षर एने पदक्षेप निजा जरूरी हो पड़ी। राम सुंदर साहू सहकारी शिक्षक विश्वनाथ सांस्कृतिक विद्यापीठ मेदिनीपुर। कौन रही है आपण स्कूल समस्या कौन रही? बहुत दिन चली विश्वनाथ सांस्कृतिक विद्यापीठ गोटे भंगा घरे यूपी स्कूल भंगा घरे जिते बड़े आम डेपुटेसन दिज जगह आस हेडमास्टर मोर डेपुटेसन आसू चार बर्ष होगा आम देख लु भंगा घरे चलती तेणु सरपंच को कहीकि आम यही घरटा निर्माण कलु। यही घरटा बर्तमान स्कूल ना पट्टा अच्छी। अच्छा आमे सेठी मैडम लतिका प्रधान मैडम आमर उद्घाटन एबे कोन असुविधा कोन हिची एबे वर्तमान असुविधा होची एई विद्यालयर श्रेणी कक्ष रे मेदिनीपुर ग्रामर टोका मिश्र ओरप जागना नारायण मिश्र बोले आमे सुनुचु से निजर जागा बोली कहिगिरि सेतरे चाबी पकेई दिछन स्कूल रूम रे ताला पकेई दिछन विद्यालय श्रेणी कक्ष चाबी पकेई दिछन। अच्छा तापर आपण कोण काकु जड़े चंदी ए विषय रे प्रथम जदले आमे चाबी पडिया देखिलु आमे एसएमसी सभापति जणेलु काहे कि नियम अछि आगे आमे सभापति जणेबु। सभापति जणेला परे से चाबी मागीथिले मागीगिरी चावळ अंटाला परे पुनि चाबी नेगिरी देइ देले। तापर जतबेले आमर शुक्रवार दिन चावळ पोशाक पैसा बंटाबा पै हला आसला परे चाबी मागिलु से आउ देलानि गाँवर किसी भद्रलोक पाने आम हेडमास्टर मु सभापति सब जगह लागिलु से आम को भर्सना कर दुआर तोड़देला कहला मोर जग मु देवीन चाबी आम कहलु जदि तुम जग से कहला भी आ मु केस करदी केस करमें जितला जाए तुम्हें चाबीटा दि भद्र व्यक्ति वैकुंठ महापात्र सी भी जा बहुत बुझेले जदि तोर जग तू जीतला पर्यंत स्कूल चलू तापर जदि तू जीतिजु आपे आप तो स्कूल उठी जीव कि कथा कर्णपात कला नाही। बर्तमान आम चाहू विद्यालय जो चाबी पड़ी जो लोक चाबी पकई से लोक तुरंत चाबी खोलतु। चाबी खोलिया फल पा मान पोशाक चाउल पैसा आदि बंटन हो पार सरकार जो बार कहे जे पाठपढ़ा श्रेणीकक्ष पाठपढ़ा हे पाने सुरखुरी में पाठ पढ़ी पारे तेणु मु आज यही स्कूल परिसर भर रही जिला प्रशासन स्थानीय एमएलए सरपंच ग्रामवासी को अनुरोध करुच्ची यार गोटे मीमांसा कर विद्यालय श्रेणीकक्षर चाबी तुरंत खोलतु जहाँफल पा मान सुषम बंटन एवं पाठपढ़ किसी व्याघात सृष्टि हे ना आप गाँव बासीदा मोर फास्ट आज्ञा मु स्कूल पुरातन छात्र कौन कह जो समस्या देखा दी कौन कह समस्या बोले बड़ गुरुत्वर समस्या बर्तमान स्कूल पहुँची जा प्रति कौन सी ग्रामवासी मान मेदिनीपुर ग्रामवासी नजर ना आउ स्कूल गढ़ापी बहुत कष्ट आम कर जानुरी मसरे स्कूल कम्प्लीट कलु जड़े व्यक्ति जेहेतु ताला पकाउची निजस्व जगह कहीकि संभव जेतु पट्टा अच्छी स्कूल ना रे सब अच्छी आज्ञा किंतु सी गोटे हुंडागुंडा लोक तार भाई जड़े आमर को जज ऑफिस रे अर्डर पियन अच्छी तार प्ररोचन ता घर पिला भाई माने सब ए नाटक कर गाँव रे जदि किए कौन कहला घरे पची बाड़ौ नथिबा
ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ତାକୁ ଗଲି ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଚାବି ପକେଇଲା ତାକୁ ବୁଝେଇଲି, ମୂଲିଆରେ ବାପ ଚାବି ଦେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଚାଉଳ ବଣ୍ଟା ହେବ, କ୍ଲାସ୍ ହେବ, ବହୁତ ତାକୁ ବୁଝେଇଲି। ମୁଁ ସିଏ କହିଲା ଆମର କେସ୍ ଚାଲିଛି। ମୁଁ କହିଲି ତମର ଯଦି କେସ୍ ଚାଲିଛି, କେସ୍ ଜିତା ହେଲା ବୋଲି ସ୍କୁଲ ଚାଲିଲୁ ନା, ମୁଁ ଆମେ ପ୍ଲଟିଂ କରି ଏଇଟା ବିକିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଯଦି ପ୍ଲଟିଂ କରିବ, ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ଏକତା ହେଇକିରି ଆମର ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଯେତିକି ହେଇଛି ଆମେ ସେତିକି ପଇସା ଦେଇ। ଆପଣ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇକିରି ତାକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ 50-60 ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯାଉଛି। ଏଣୁକରି ମୁଁ ଏଇ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏମିତି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତା ଉପରେ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।